Hello students, the next topic is double salt. So double salt kya hote hain? These are the addition or molecular compound which are formed by two apparently saturated compound but they lose their identity when dissolve in the water. तो इससे पहले हमने स्टडी किया था कि जो coordination compound है वो क्या होते हैं. तो coordination compound भी दो या दो से अधिक saturated compound से मिलके बने होते हैं और डबल साल्ट भी दो या दो से अधिक अपेरेंटली सैचुरेटेड कंपाउंड से, मतलब आपको अपीयर हो रहे हैं जो सैचुरेटेड कंपाउंड हैं उनसे मिलके बने होते हैं. बट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं जब आप उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, बट जो डबल साल्ट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं जब वो आप उनको मतलब वाटर में डिजॉल्व करते हैं. जैसे हम एग्जांपल लें यदि डबल साल्ट का, तो उसमें एक एग्जांपल है मोहर साल्ट. मोहर साल्ट क्या होता है, इट इज़ फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2O. सेकेंड एग्जांपल इज़ पोटास एलम, इट इज़ पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O. एंड अनदर इज़ कार्नलाइट, इट कंसिस्ट ऑफ KCl MgCl2 एंड 6H2O. अब ये जो हमारे पास डिफरेंट डबल साल्ट हैं यदि आप इनको वाटर में ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो लूज़ कर जाएंगे जब आप उनको साल्ट में, सॉरी, इन साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे. मतलब हम इस केस में ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा जो काउंटर आयन है वो किस मेटल आयन के साथ जुड़ा है जब आप उनको डिसॉल्व कर देंगे वाटर में. सो दिस इज़ डबल साल्ट. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मोहर साल्ट है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2. यदि आप इसको पानी में डालेंगे तो देखिए क्या बनेगा, Fe2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. तो सॉलिड स्टेट में तो ये जो डबल साल्ट होते हैं ये स्टेबल होते हैं, जैसे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो भी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं. बट जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो ब्रेकअप होके क्या बना देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस बना देते हैं एंड दे कम्प्लीटली लूज दी आइडेंटिटी ऑफ दी डबल साल्ट. सो यदि ये आप डिफरेंस की बात करें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट में क्या फ़र्क है, तो जो डबल साल्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, बट डबल साल्ट जो है एक्वस स्टेट में जब आप उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं. मतलब इस केस में हमें ये पता नहीं लगता कि कौन सा काउंटर आयन जो है किस मेटल आयन के साथ या किस सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है. बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम जो आइडेंटिटी है कंपाउंड की उसको रिटेन रख सकते हैं. इस केस में हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल या आयन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है एज ए लिगेंड या मतलब थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ा है, और कौन सा पार्ट जो है काउंटर आयन का, या कौन सा काउंटर आयन जो है वो एज ए काउंटर आयन जुड़ा है सेंट्रल मेटल आयन के साथ थ्रू आयोनिक बॉन्ड. तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. सेकंड क्या है कि जो डबल साल्ट हैं उनकी प्रॉपर्टी जो बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड की होती हैं. मतलब यदि आप जैसे एक केस लें, मोहर साल्ट का ही केस लें, ये डबल साल्ट है, तो यदि आप मोहर साल्ट में Fe2 पॉजिटिव के लिए टेस्ट करें, SO4 2 नेगेटिव के लिए टेस्ट करें, NH4 पॉजिटिव के लिए टेस्ट करें, तो ये तीनों आयन जो इस साल्ट में प्रेजेंट हैं इनके लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा. बट यदि आप कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लें, जैसे हमने इससे पहले एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी किया था Ni NH3 6 Cl2. सो उस केस में क्या होगा, यदि आप उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को टेस्ट करेंगे Ni2 पॉजिटिव के लिए, Ni2 पॉजिटिव के लिए, तो वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक नेगेटिव टेस्ट देगा. तो उस केस में हम सेंट्रल मेटल आयन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है. हालांकि उसमें जो इंडिविजुअल आपके पास साल्ट था जिससे मिलकर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना था, दैट वाज NiCl2. बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दैट विल नॉट शो द केमिकल टेस्ट फॉर Ni2 पॉजिटिव. सो द प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट साल्ट्स. नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनमें वो क्या है, जो मेटल आयन है वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ही क्या होते हैं, मतलब किसी आयन या मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं. जैसे आप इस केस में देख सकते हैं मोहर साल्ट में Fe के ऊपर जो वैलेंसी है वो 2 है, और इस केस में जो सल्फेट आयन है, जैसे Fe2 पॉजिटिव है तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है,
और सल्फेट के ऊपर भी क्या है, टू नेगेटिव है। NH4 के ऊपर वन पॉजिटिव है, तो क्योंकि NH4 टू है तो टू पॉजिटिव इज बीइंग बैलेंस बाई टू नेगेटिव ऑफ द SO4 टू नेगेटिव। सो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नंबर ऑफ ही क्या होते हैं इसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं और वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मेटल आयन होता है वो सराउंडेड होता है मोर देन दी नॉर्मल वैलेंसी। जैसे इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक केस लिया था NiNH3CO2, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि निकल की जो वैलेंसी है वो 2 है बट उसके साथ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े हैं वो 6 हैं NH3 के, विच इज़ बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दी डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।